अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन। वेलकम करता हूं आपको होम गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और खूब अच्छे अच्छे काम में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पपैये का प्लांट, जिसको मैंने सीड्स के ज़रिए ग्रो किया था और वो माशाल्लाह अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और उनको मैंने ये फॉरेस्ट बनाए हैं, क्यारियाँ बनाई हैं, 2x2 फिट की हैं। ये आम की जो टोकरियाँ जिसे केले हैं, जिसके अंदर फ्रूट आता है, वो वहाँ से आपको ये आसानी से 50 रुपये में 30 रुपये में मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरी क्यारियाँ बिल्कुल हरी भरी। इसमें मोरिंगा भी लगा हुआ है, 3 मोरिंगा लगे हुए हैं, कुछ अनार हैं, सदाबहार हैं, मिक्स पौधे हैं। फॉरेस्ट का मतलब तो यही होता है ना कि जंगल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पपैये का प्लांट है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेबी प्लांट था। अभी माशाल्लाह से इसने अपने फ्लावरिंग बड बनाए हैं। अब पता नहीं कि ये मेल है कि फ़ीमेल है। फ्रेंड्स, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, तो मैं फिर इसका मेल, अगर ये फ़ीमेल हुई तो उसके साथ मैं मेल ग्राफ्ट करके लगाऊँगा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर ये फ़ीमेल हुई तो, अगर ये मेल हुआ तो उसके साथ फ़ीमेल ग्राफ्ट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ मैंने मैंगो के प्लांट्स भी लगाए थे, जो कि सीड्स लगाए थे मैंगो के मैंने, इसी सीज़न के हैं और ये माशाल्लाह अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना के एक शेयर करूँगा छोटी सी, इनको भी मैं ग्राफ्ट करूँगा। काफ़ी सारे मैंगो भी लगे हुए हैं, अनार है, एक ये पपैया लगा हुआ है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।